आप प्रश्न पूछना ही इतना लंबा कर देते हैं, आप संक्षिप्त में प्रश्न पूछिए, संक्षिप्त में मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि अक्सर इनके लेटर्स आते रहते हैं हेल्थ के अवेयरनेस के लिए कि मैं गोरखपुर मेरा संसदीय क्षेत्र में वहां क्या करूं, तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को और मंत्री जी को। बट मेरा खाली एक सवाल है जो हमेशा मुझे परेशान करता है कि केंद्र सरकार जब इतनी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवा रही है, राज्य सरकार इतना अद्भुत काम कर रही है, कहीं कहीं जैसे हमको खबर आती है जब हम गांव देहात जाते हैं, पूर्वांचल बिहार हो या उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो, कि लास्ट अंतिम परिवार तक वो मेडिकेशन, वो सारी फैसिलिटीज, वो कुपोषण का परिवार, वो अंतिम परिवार तक नहीं पहुंचता। ऐसी ये जानकारी के लिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार इस पर क्या पहल होगी कि आखिरी छोर तक, वो आखिरी एक तराई का क्षेत्र का परिवार कैसे उसका होगा। और जब सबसे ज्यादा डिमांड अध्यक्ष महोदय आ रही है, प्रधानमंत्री जी ने जो औषधि केंद्र किया है वो शहरों में ज्यादा है, गांव से बहुत डिमांड आ रही है और उस बड़ा सक्सेसफुल हुआ है क्योंकि 50% में दवाई मिलती, तो मंत्री जी आप उसके लिए। शायद माननीय सांसद जानते हैं कि जनऔषधि केंद्र का मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशनली मेरे विभाग के साथ नहीं है, लेकिन मैं आभारी हूं कि उन्होंने इस विषय पर प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया। जहां तक अंतिम छोर तक सरकार कैसे पहुंचती है, जिला प्रशासन, प्रदेश की सरकार के सांसद साथ साथ सांसद भी संवाद के सेतु हेतु काम कर सकते हैं। मेरा आग्रह है कि अगर इनके संसदीय क्षेत्र में ऐसा कोई भी विषय है मुझे अवगत करें। जगदीश गोपाल जी,